नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट कलर स्कीम ऑफ फेशियस बॉर्डर। आगे किनारे के लिए रंग योजना तैयार करना, क्योंकि अगर आप व्हेन यू आर प्लांटिंग नेनवर्स इन बॉर्डर इन ए सिस्टम, देर इज ए सिस्टम ऑफ प्लांटिंग अकॉर्डिंग टू दियर कलर्स, देर विल बी ए चार्मिंग इफेक्ट, प्रभावशाली प्रभाव, अच्छा प्रभाव रहेगा जिससे वो खूबसूरत लगेंगे। लेकिन अगर आप इफ यू आर प्लांटिंग इनवर्स विदाउट एनी कलर स्कीम, देर विल बी नो चार्मिंग इफेक्ट। दैट्स वाई यू हैव टू अडॉप्ट कलर स्कीम व्हाइल यू आर प्लांटिंग द इनवर्स इन द बॉर्डर। इन नेचर सिक्स टाइप्स ऑफ कलर आर सीन बाई नेक्ड आइज, प्रकृति में छह प्रकार के रंग खुली आँखों से या नंगी आँखों से देखे जा सकते हैं, जो कि VBGYOR, वायलेट, बैगनी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। एंड दीज कलर्स आर डिवाइडेड टू टू ग्रुप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक रंग। प्राइमरी कलर्स आर ब्लू, येलो एंड रेड, हेयर एज सेकेंडरी कलर्स आर वायलेट, ग्रीन, ऑरेंज। अदर कलर्स विच आर सीन इन नेचर बाई मेड बाई मिक्सिंग दीज कलर्स एंड दे आर नोन एज टर्शियरी कलर्स। अकॉर्डिंग टू दीज कलर्स व्हेन इनवर्स आर प्लांटेड इन बॉर्डर इन सिक्वेंस, दिस इज नोन एज कलर स्कीम। इसे हम रंग जब इन रंगों के अनुसार एक वर्षीय पौधों को साकी किनारों में लगाया जाता है क्रम में, तो इसे हम हर्बिस कलर स्कीम अथवा रंग योजना कहते हैं। जनरली थ्री टाइप्स ऑफ कलर स्कीम्स आर यूज टू अरेंज एनिमल्स इन बॉर्डर, सामान्यतः तीन प्रकार की रंग योजनाएं जो हैं वो अपनाई जाती हैं एक वर्षीय पौधे को साकी किनारे में लगाते वक्त। तो नंबर एक है मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम और सिंगल कलर स्कीम, इसको एक रंग योजना कहते हैं। इन मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम इट रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ सिंगल कलर और ड्यूट सेट्स एलेवन इन सेम और डिफरेंट एनवल्स। इस कलर एक ही रंग योजना में एक ही प्रकार के एक वर्षीय पौधों को लिया जाता है, जिनमें कि विभिन्न एक ही रंग विभिन्न सेट्स में पाया जाता है, किसी में गहरा है, किसी में हल्का है, किसी में मीडियम है। इस प्रकार से एक ही फूल अथवा कई फूल लिए जाते हैं जिनमें एक ही कलर डिफरेंट सेट्स में मौजूद रहता है, किसी में कम गहरा है, किसी में ज़्यादा गहरा है, किसी में और गहरा है। इस प्रकार से इसको एक ही रंग योजना कहते हैं। एक ही रंग के विभिन्न सेट्स के हिसाब से जब इनवर्स लगाए जाते हैं, दैट इज नोन एज मोनोक्रोमैटिक कलर के इनवर्स लगाए जाते हैं या डिफरेंट इनवर्स लगाए जाते हैं, बट हैविंग द सेम कलर इन डिफरेंट सेट्स। सच एज इफ यू हैव टू यूज ब्लू कलर्स फ्लावर्स, देन यू हैव टू प्लांट ब्लू कॉर्न फ्लावर, ब्लू लार्क स्पर, एगेर आइटम एक्सेट्रा कैन बी यूज बाई यू। एंड व्हेन यू आर सिलेक्टिंग द येलो कलर इनवर्स, देन योर येलो डहलिया, येलो एंटीरिनम, येलो कैलेंडुला, येलो मेरीगोल्ड, येलो कोरियोप्सिस कैन बी यूज। एंड द मेन डिफिकल्टी इन मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम इज टू गेट द सीड्स ऑफ प्योर कलर्स, दिस इज द मेन डिफिकल्टी व्हाइल यू आर सिलेक्टिंग द मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम। नेक्स्ट एनालॉगस आर हारमोनियस कलर स्कीम आर रिलेटेड कलर स्कीम, संबंधी रंग योजना। इसमें दो या तीन नज़दीकी रंगों को शामिल करते हैं और नज़दीकी रंगों को शामिल करके उन्हें ऐसे ढंग से लगाते हैं फ्लावर कि वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, जैसे वायलेट ब्लू, लाइट ब्लू, नेक्स्ट ऑरेंज येलो एंड लाइट येलो। दीज कलर्स आर वेल अरेंज इन बॉर्डर, दे हार्मोनाइज विद द सराउंडिंग्स बेड। ऐसे कलर जब बॉर्डर में साकी किनारे में लग जाए जाते हैं तो बेड से वो हार्मोनाइज करते हैं, उनसे मिलाप करते हैं, दैट्स वाई दिस इज नोन एज हारमोनियस बॉर्डर। इसके लास्ट इज कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम, विपरीत रंग योजना। इन दिस स्कीम प्लांट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट कलर आर प्लांटेड अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। इस रंग योजना में हम एक वर्षीय पौधों को विरोधी कलर वाले, विरोधी रंग वाले पौधों को, एक वर्षीय पौधों विरोधी रंग वाले पौधों को उनके
ऊंचाई के अनुसार लगाते हैं। इन नेचर प्रकृति में इन नेचर ब्लू एंड ऑरेंज कॉमा वायलेट एंड येलो रेड एंड ग्रीन आर द कॉन्ट्रास्ट ऑफ ईच अदर। ये जो है एक दूसरे के विरोधी कलर हैं, जैसे नीला और ऑरेंज नारंगी, वायलेट बैगनी एंड पीला, लाल और हरा, ये सब एक दूसरे के विरोधी कलर हैं। जब हम इन रंगों को फ्लावर एक और से फ्लावर अगल बगल में लगाते हैं, बाय प्लांटिंग दीज कॉन्ट्रास्ट कलर टुगेदर इन इट इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ बॉर्डर। जब हम साखी किनारे में इन रंगों के पौधे लगाते हैं अगल बगल, तो यह साखी किनारे की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। इसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में हाउ टू कल्टिवेट द एनुअल्स इन द फील्ड और हाउ टू प्लांट द एनुअल्स इन पॉट।